चलो स्टार्ट करते हैं आज। आप टेस्ट देने गए हैं, वहां जाके सीन क्या होगा और डिस्कस करेंगे स्पीकिंग के सेशन तक। क्लियर? चलें जी। पहला काम, हम जाएंगे टेस्ट सेशन में, आपने 15 से 20 मिनट पहले जाना होता है। क्यों? रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, वो आपने कराना होता है। आपका पासपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। चलें, टेस्ट बुकिंग को हम इधर डिस्कस नहीं करते, आगे से डिस्कस करते हैं। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एहतियातन आपका आईडी कार्ड आप रख लीजिएगा, एहतियातन। देखते नहीं होते वो, पर एहतियातन रख लीजिएगा, कभी कभार वो देख भी लेते हैं। क्लियर? जरूरी है आपका पासपोर्ट। आपके पास जो भी आपका स्टफ होगा, जो भी चीजें होंगी, वो आपसे एक कैबिन में रखवा देंगे, उसकी की आपके पास होगी। सिर्फ दो चीजें ये होंगी आपके पास, आपका पासपोर्ट और आपके कैबिन की की। उसके अलावा आपको कुछ भी चीज अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं होगी। सही है? ये बात की समझ आई? हर बार ऐसे ही होता है, इसलिए ये कंसीडर नहीं करना कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारा सामान कहां जाएगा। वाई है उन्होंने आपके सामान का चार्ट नहीं डाला। क्लियर? काफी बच्चों के माइंड में ये बातें आती रहती हैं, ओए हम 2 घंटे बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, एक ही किया उस, अच्छा वो लाखों का वो बना के बैठे हैं, आपके 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 वाले सामान को देखेंगे वो। सीधी सी बात है। दूसरा, ये उनका काम है। सही है? जो भी टेस्ट सेंटर होता है ना, वो अपने ऊपर ऐसे एलिगेशंस नहीं आने देता, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उनकी साख खराब होती है। ऐसी चीजें माइंड से निकाल के जाओ। दूसरा, पॉजिटिव सोचा करो। अपन जो सोच के या जाना चोरी हो जाना, क्योंकि अब ये देखें, मैं कल परसों एक चीज सुन रहा था, वो कहते यूनिवर्स ना एनर्जीज से मिलके बना हुआ है। जो जितना पॉजिटिव सोचेगा उसके साथ उतना पॉजिटिव होता जाएगा, जो जितना नेगेटिव सोचेगा उतना नेगेटिव होता जाएगा। एनर्जी, बात हमारे कॉन्सेप्ट से बड़ी दूर की है, पर फिर भी जनरल कॉन्सेप्ट है, इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। अगर कुछ बुरा हो भी जाता है, ऐसे सोचें कि चले इसमें शायद कोई बेहतरी रखी हो। अच्छा जी, हम टेस्ट सेशन में टेस्ट सेंटर में गए हैं, आपने जाते ही उनको अपना पासपोर्ट दिखाना है और कहना है हमारा इस सेशन का टेस्ट बुक्ड है। क्लियर? आपकी वो फिंगर्स स्कैन कराएंगे। कभी कभी ऐसा होता है जस्ट थंब इंप्रेशन लेते हैं, कभी कभी सारी फिंगर्स स्कैन कराते हैं, डिपेंड करता है। या तो उसी टाइम अंदर कंप्यूटर्स पड़े होंगे रूम में, आपकी आईडी उधर से लॉगिन कर देंगे, या दूसरा सिनेरियो, सारे बच्चे एक बार इकट्ठे हो जाएंगे अंदर, एक वन बाय वन बिठाते जाएंगे और फिर आपकी आईडीज वो लॉगिन करेंगे अंदर। दो सिनेरियोस हो सकते हैं, या तो वो बाहर से ही आपकी आईडी लॉगिन कर देंगे, या फिर आपको लाइन में अंदर बुलाएंगे वन बाय वन, और जैसे जैसे कोई बच्चा आता जाएगा उसकी आईडी लॉगिन करते जाएंगे वो। क्लियर? ये मरहला इंपॉर्टेंट है। क्यों? ज्यादातर लोग कहते हैं, वो भी आपको कहेंगे इन्विजिलेटर्स, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां बैठा है कैसे है, पर ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल्स, आप फर्स्ट पे बैठे हैं, जैसे कैबिन्स लगे हुए हैं, आप फर्स्ट पे बैठे हुए हैं, आपकी एक साइड पे बच्चा है, एक साइड पे खाली है, एक साइड से आवाज आ रही है, एक साइड से आवाज नहीं आ रही है, ये इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई बच्चा दरमियान में बैठा है, उसको दोनों तरफ से काफी ज्यादा वॉइस का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? इम्पैक्ट इस चीज का पड़ता है, याद रखें। ट्राई करें, अगर उन वो बच्चों के जाने पे आईडी लॉगिन कर रहे हैं, या तो आप लाइन के स्टार्ट में रहो या तो लास्ट पे रहो, स्टार्ट वाला कोने पे, लास्ट वाला कोने पे, या फिर मिड में रहो। 3 स्पॉट्स, मेड, स्टार्ट, एंड, दरमियान में कहीं भी नहीं आना होगा। हाँ जी, तब से मैं यही बता रहा हूँ, रोल नंबर नहीं होता,
आपकी आईडीज़ वो लॉगिन करते जाते हैं। सही है, चलें ये 5 कंप्यूटर इस साइड पड़े होंगे, 4 कंप्यूटर इस साइड पड़े होंगे। कैबिन्स जैसे ये बने हुए हैं ना, ऐसे कैबिन्स, थोड़े से बड़े कैबिन्स होते हैं और अंदर वाली साइड पे कुशनिंग होती है ताकि वॉइस डिस्पर्स कम हो। अब ये देखो, आप इधर फर्स्ट कैबिन में बैठे हुए हो, दूसरी साइड आपके बच्चा है, एक साइड खाली, उस साइड से आवाज आ रही है, इस साइड से आवाज नहीं आ रही। सही समझ आई, ये हम बात डिस्कस कर रहे हैं। या तो आप फर्स्ट पे रहो, या मिड पे रहो, या फिर लास्ट पे रहो, कोनों पे बैठोगे, एक साइड पे बच्चा बैठा होगा आपके। पर अगर आपकी आईडीज उन्होंने बाहर से ही लॉगिन कर दी हुई है तो फिर आपके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, जहां उन्होंने लॉगिन कर दी वहां आपको बैठना पड़ेगा। क्लियर, बात की समझ आई? चले, आप गए हो, पासपोर्ट आपने दिखाया है, फिंगर स्कैन कराया, आपको थोड़ी देर के लिए बैठा देंगे वो वेटिंग रूम में, फिर आपको बुलाएंगे टेस्ट से कोई 5-7 मिनट पहले। लड़कों का मैं बता देता हूं आपको, गर्ल्स का हमको आइडिया नहीं है। मैं जो भी टेस्ट देने गया हूं, लड़के थे, गर्ल्स नहीं थी हमारे रूम में, इसलिए हमको आइडिया नहीं है कि उसका उनका क्या हिसाब होता है। लड़कों को लाइन में खड़ा कर देंगे, अगर आपने कोई कड़ा वगैरह पहना हुआ है उतरवा देंगे, अंगूठी वगैरह वो भी कह देते हैं उतार दो, हैंड आपने ग्लासेस लगाए हुए वो भी, वो पूछते हैं आपसे कौन से वाले ग्लासेस है, नजर के हैं कि दूसरे हैं, अगर दूसरे हैं तो उतार दो। एक चीज आपसे कहेंगे, फोल्ड करो स्लीव्स आपकी, फोल्ड करो, सही है, बाद में इनको झाड़ो, ये सारा कुछ बता क्यों ना। बच्चे इस प्रोसेस में काफी पजल हो जाते हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, ये उनका काम है, उन्होंने ये करना ही करना है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। जस्ट आपकी चेकिंग कर रहे हैं कोई आपके पास हेल्पिंग मटीरियल तो नहीं है, हालांकि आप इसमें लाओगे भी क्या, आपको तो पता भी नहीं होगा क्या टेस्ट आना है। एक उनका भी लॉजिक काम नहीं करता। आपको अंदर पानी वाली बोतल भी नहीं लेके जाने देंगे वो, सही है, इसलिए डोंट बॉदर, कोशिश भी ना करें। मैं वो रैप वगैरह उतार के क्लियर बोतल लेके जाने लगा तो वो कहते नहीं, मैंने ये भी चेक किया हुआ, सही है, इसलिए इस बात को अपने माइंड से निकाल लें। आपके पास जस्ट आपका पासपोर्ट और चाबी होगी आपके कैबिन की, कैबिन भी उनके पास 8 होते हैं, ये भी पूछ लो, कैबिन उनके पास 8 होते हैं, 2 बच्चों को वो शेयर कराते हैं। हाँ जी, आप अंदर चले गए, पहला काम आपको टेस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि आपके कंप्यूटर पे शो हो रहा होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बताया जाएगा कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, आपने कोई हेल्पिंग मटेरियल यूज नहीं करना, आपको ये सारा टेस्ट 2 घंटे 15 मिनट में पूरा करना होगा, आपके पास 4 मॉड्यूल्स आएंगे, उसके इतने मार्क्स हैं, इतना टाइम दिया जाएगा, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। जैसा आपके पास मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लास्ट पे लिसनिंग। स्पीकिंग राइटिंग एक पोर्शन कंसीडर किया जाता है, स्पीकिंग और राइटिंग एक सिंगल पोर्शन कंसीडर किया जाता है, जिसके लिए आपके पास टाइम होता है 72-77 मिनट। सही है, ये स्पीकिंग और राइटिंग के पोर्शन का टाइम होगा आपके पास। क्लियर, दूसरे दो का अभी हम कंसीडर नहीं करते, पहले वाले पोर्शन पे रहते हैं। आपके पास पहले 3-4 मिनट होंगे इक्विपमेंट को चेक करने के लिए, जिसमें आपने अपने हेडफोन्स और माइक को चेक करना होगा कि आपको आवाज सुनाई सही देती है, आप बोलते हैं आवाज सही कैप्चर होती है। क्लियर, अगर आपको कोई मसला लग रहा है आप उनसे बोलोगे हमें ये चेंज करके दें। अगर हमारे वाले रीजन की बात करें, नहीं करते वो चेंज,
डोंट नो व्हाई पर उनका काम है। दूसरा, आप कहते हो कि मैं इनके इसके बारे में एप्लीकेशन सबमिट करा दूंगा, जब तक उनके पास सॉलिड एविडेंस नहीं जाएगा तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीधी सी लॉजिकल बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर तो सारे ही बच्चे एक सेशन के बोलेंगे चीजें नहीं सही, फिर कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप इस बारे में खुद सोचें, किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, वो क्यों करेगा ये काम? इसलिए ये बात नहीं होगी ऐसी। क्लियर? ये बात की समझ आई? इसलिए आपने खुद एहतियात करनी है। एक बार आपने चेक कर लिया, आवाज सही आ रही है, माइक आपने आपका सही रिकॉर्ड कर रहा है, उसके बाद आपने वायर को नहीं हिलाना। ये उन्होंने कहा होता है कि अगर आपका पीसी वगैरह आपकी गलती के वजह से कुछ होता है तो वो कंपनसेट नहीं करेंगे इसे, अगर उनकी गलती है फिर वो कंपनसेट करेंगे। क्लियर? ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि अगर उनकी कोई गलती आती है फिर वो आपको कंपनसेट करेंगे। अगर आपने कोई गलती की, टेस्ट स्टक हो गया, टाइम आपका पीसी बंद हो गया या और कुछ हो गया, तब आपको कंपनसेट नहीं किया जाएगा, वो आपका पर्सनल एरर है। क्लियर? ये बात समझ में आई? इससे पहले 3 से 4 मिनट होंगे आपके पास इक्विपमेंट को चेक करने के लिए, और 40 सेकंड का आपने इंट्रो रिकॉर्ड कराना है। 40 सेकंड का आपने इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करवाना होता है, 15-20 सेकंड का करा दो बहुत है, जिसमें आपने बताना होता है माय नेम इज दिस, आई हैव डन दिस, आपकी डिग्री, जैसे आई हैव डन मास्टर्स, मेरा कौन सी डिग्री है मुझे तो यही नहीं याद, आई हैव डन एन ऑनरी डिग्री ऑफ मास्टर्स इन सोइल एंड एनवायरमेंट साइंसेस, आई एम फिलहाल में एवं भी गल नहीं है नहीं जरूर, हाँ जरूरी है, स्किप नहीं होगा। आपने गौर नहीं किया होगा, इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन आपके कंप्यूटर में टेस्ट से पहले रिकॉर्ड होता है, मतलब स्किप कर देते हैं। कैसे स्किप करते हैं? जैसे ही टाइम खत्म होता है कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग तो आई है ना, बेशक आप चुप करके बैठे रहे, ट्राई करो कि आप इसको करो एक बार। अच्छा चल, नाम बता दिया अपनी, जो भी आपने किया, आप जान इंटरमीडिएट, आप जान बैचलर्स इन, जो भी आपकी डिग्री है उसके बारे में बता दें। इंस्टीट्यूशन का नाम बेशक ना लें, उन्होंने कौन सा चेक करने आने, आगे आपकी कहाँ जाना है बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते, किसी का दिल कर रहा है बताना है बता दो। मैं बच्चों को कहता होता हूँ एक जनरल लाइन बोल दो, आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर माई फर्दर स्टडीज एंड गेन मोर एक्सपीरियंस, जनरल लाइन है, हर जगह फिट हो जाएगी, ये बोल दो आप। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन हो गया, लास्ट पे आपकी एक दो हॉबीज होती हैं वो बता दो, बल्कि उन्होंने पॉइंट्स आपको 4-5 बना के बताए होते हैं कि इन पॉइंट्स पे एक एक लाइन बोलो। इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद आपका सही वाला टेस्ट स्टार्ट होगा। क्लियर? स्टार्ट होगा रीड अलाउड से, पीटी वाले जस्ट आपको कंफ्यूज करते हैं कैसे, जैसे ही सबका टाइम खत्म होना है सबने स्पीकिंग पे आना है, भगदड़ मच जानी है, हर बच्चा दूसरे की आवाज सुन के पैनिक। आप लोगों से मैं इसीलिए इधर टेस्ट करवाता हूं ताकि हम थोड़ा सा यूज टू हो जाएं उस कंडीशन से, हमें लगे उधर भी यही किया हुआ है इधर भी यही करना है, समझ आई? इसलिए आपको कहता हूं कि इधर टेस्ट दो, रीड अलाउड, पहला एक या दो रीड अलाउड तो सबके खराब होंगे,
ये मैं आपको कहता हूँ, क्यों आप सेटल होंगे एक दो क्वेश्चंस में, नॉइसेस से थोड़ा सा प्रेशर कंट्रोल करोगे, सही है, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, पहले एक दो क्वेश्चन तो खराब होने ही होने, अगर आपने कंट्रोल कर लिया बहुत अच्छा है, सही है, पहले एक दो क्वेश्चन अगर आपके अच्छे हो गए ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका, अगला और अच्छा होगा, सही है। अच्छा जी, पहला हमारा डरने वाला पॉइंट रीड अलाउड, दूसरा पॉइंट रिपीट सेंटेंस, क्यों पहली रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हमें समझ ही नहीं आनी क्या हुआ, फिर से सेटल होने की बात आई, एक दो क्वेश्चन आपके सेटल होने में निकल जाएंगे, क्लियर। जो भी काम टेस्ट में हमको पहली बार आएगा, हमने वहां पैनिक होना ही होना है, लिख के ले लो, वहां हमने पैनिक होना ही होना है, अगर आप कंट्रोल कर जाओ उस चीज को, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रीड अलाउड में करना क्या काम है, हाँ जी, हमें एक पैसेज दिया जाएगा, सेम टू सेम पढ़ना है, क्या मुश्किल है इसमें, एक दो वर्ड्स हर पैसेज में मुश्किल आ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसा हो सकता है जो पांच छह या सात पैसेज आने हैं, एक आधा पैसेज मुश्किल आ जाए, ज्यादातर चीजें आसान है, हम पर्सनली उस मुश्किल वाले पैसेज के बारे में सोचते हैं जो एक आने, हम ये नहीं सोचते छह आसान आने, हम उस मुश्किल के बारे में सोचते हुए वो आसान वाले छह खराब कर लेते हैं, इस चीज को माइंड में रखें, मुश्किल चीज आएगी हर बार नहीं आएगी, थोड़ी सी चीज मुश्किल होगी, बाकी चीजें आसान होंगी। दूसरा, स्पीकिंग में आपको जो वो डाटा प्रोवाइड करेंगे, कंफ्यूजिंग चीजें दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्पेसिफिक साउंड्स दिए जाते हैं, एस का साउंड, ईडी का साउंड, आर्टिकल, ये ज्यादा दिए जाते हैं आपको पजल करने के लिए, हमने सीधा सीधा फॉलो करना होता है, हम फॉलो नहीं करते, हम बीच में अपनी तरफ से साइंस लड़ाते हैं, जब हम साइंस लड़ाएंगे तब हम मार खाएंगे, खुद से कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट फॉलो करना है उसको, फिर से याद करा रहा हूं, आपने खुद से कुछ भी नहीं करना, जस्ट फॉलो करना है, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। चले, हम कहते हैं मैं तो घर दिया नहीं कभी सुनी, मैं यदि सुना, मैं नहीं सुनता, हमारा माइंडसेट वैसा है, इस चीज को ध्यान में रखें, फॉलो आप नहीं करोगे 40 नंबर पे बैठे होगे, सही है, फॉलो करना पड़ेगा, कैसा करते हो वो बात की बात है, आपने सही से सारा कुछ फॉलो किया, कुछ चीजें गलत हो गई, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोनंसिएशन थोड़ी सी गलत हो गई, फॉलो आपने सही किया है, अब प्रोनंसिएशन अब आपका ह्यूमन एरर नहीं है, ये थोड़ा हर किसी में कुछ ना कुछ होती है, नई वर्ड्स बोले जाते हैं सभी से, सभी वर्ड्स दुरुस्त, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, 20% तो वो आपको खुद ही एरर की इजाजत दे देते हैं, अगर आपका 20% एरर है, बाकी सारा कुछ आपने सही बोला है, आपको फिर भी पूरे नंबर देंगे वो, मतलब 20% की इजाजत तो वो खुद ही दे देते हैं आपको, हमारी गलती कितनी होती है 30-40%, अगर उसको भी हम ठीक कर ले हम पूरे नंबर ले सकते हैं, सिर्फ 20-30% आगे बढ़ना है हमने, सही है, जिसको नहीं भी पढ़ने आ रही ना स्टार्ट पे, जो 50% तो वो भी ठीक कर जाता है, ऐसे ही है ना, 50% तो वो भी ठीक कर जाता है, इंप्रूवमेंट चाहिए 20-30% की, क्लियर, ये बात समझ में आई, हम सोचते हैं पता नहीं हमें हर वर्ड सही पढ़ना पड़ेगा, हर एक पॉज सही लेना पड़ेगा, इंप्रेशंस लगाने पड़ेंगे, चाहिए ही नहीं, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए, थोड़ा सा फ्लो, थोड़ी सी प्रोनंसिएशन,
क्लियर, आपका काम हो जाएगा, यहां तक कोई इशू? हाँ जी, रीड अलाउड, जस्ट फॉलो करना है। इसके बाद आएगा आपका रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में क्या है, एक छोटी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, आपने उसको वैसे ही बोलना है। इसमें भी हमारे पास थोड़ी बहुत रिलीफ है, वर्ड्स आपके आगे पीछे हो जाएंगे, खैर है। इसमें फॉलो भी नहीं हमने पूरा करना, इसमें जस्ट जैसे मर्जी पूरा करना चीज को, इसमें हमने ज्यादा फॉलो भी नहीं करना। जिधर रीड अलाउड की हम बात कर रहे थे कि फॉलो करना है जस्ट, गलती के इतने चांस हैं, गलती के उसमें भी 20% आपको चांस मिलेंगे, कि 20% की छूट आपके पास है। ऐसे ले लें 10 आपको सेंटेंसेस बोले गए, अगर दो गलत भी हो गए ना, खैर है, नंबर आपके फिर भी अच्छे आ जाएंगे। इस बात की समझ आई? डिपेंड करेगा बाकी क्वेश्चंस कैसे करते हैं। चलें, मार्जिन इधर भी हमारे पास 20% का है, पर हम फिर से वही काम, हम चीज को मुश्किल बना के सोचते हैं, हम इस वे में नहीं सोचते, थोड़ा सा तो है कर लेंगे, एक बात ही बोली है। हम इस वे में सोचते हैं 15 वर्ड्स बोलने हैं, क्या करें, हमने तो पूरे वर्ड्स भी नहीं बोले। मैंने कभी भी आप लोगों को कहा हो कि पूरे वर्ड्स बोले? नहीं ना कहा, तो मुश्किल क्या है इसमें। चले, फिर आएगा हमारे पास डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज, एक इमेज आपको दी गई होगी, इमेज के बारे में बोलना है। आपके पास कुछ ना कुछ टेम्पलेट्स भी होते हैं, उन टेम्पलेट्स को आपने यूज करना है। मतलब इधर भी खुद से ज्यादा चीजें नहीं कर रहे, इसमें आपके पास डाटा था उसी को बोलना था, इसमें आपके पास रिकॉर्डिंग थी उसी को वापस बोलना था, इधर इमेज है टेम्पलेट है उसको ही बोलना है। खुद से किया ज्यादा काम नहीं। अब ये देखें, 3 क्वेश्चन टाइप्स गुजर गई हैं, खुद से हमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो डर किस बात का है, क्यों डरते हैं हम? जस्ट फॉलो कर दे जाएं, गो विद द फ्लो जिसे कहते हैं। आप सब लोग महीना, 2 महीने, 3 महीने भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें इन चीजों को तो पक्का करें ना, फॉलो करने के लिए तैयार हो। ऐसा ना करें कि हमने आंसर देना, हमने फॉलो करना। क्लियर? इमेज आपको दी गई होगी, उसके बारे में बताना है, आपके पास टेम्पलेट्स होंगे, टेम्पलेट्स में एडजस्ट करके बताना है। नेक्स्ट, रिटेल लेक्चर, रिटेल लेक्चर में ऑडियो दी जाएगी, ऑडियो के बारे में बताना है। इसमें भी हमारे पास टेम्पलेट है, फिर हमने खुद से कुछ नहीं किया, उधर से ही वर्ड्स उठाने हैं, टेम्पलेट पहले का याद है, ऑन द स्पॉट हमने कुछ किया नया नहीं, तो फिर क्या मसला है? आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका हमने आंसर देना है कितना, सिंगल या दो वर्ड्स हो जाएंगे, और कभी कभी आपको वो ऑप्शंस भी दे देते हैं, कभी कभी आपको ऑप्शंस भी वो खुद ही दे देते हैं। हमेशा नाउन होगा इसके आंसर में, कभी भी कोई वर्ब ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं आएगा, हमेशा नाउन होगा आंसर में। चले, अब ये देखें, स्टार्ट करते हैं मार्किंग की तरफ। रो धो के हम, जैसे आपको कहा 50% तो सारे बोल लेंगे, रो धो के ऊपर वाला 20% कर लिया, 22 से 25 नंबर आ जाएंगे रीड अलाउड में।
सही है। सेम रिपीट सेंटेंस, रोध हो के 70% तक चले गए हैं हम, फुल की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट 70% की बात कर रहा हूं। स्पीकिंग में इसके आ जाएंगे 20 तक, 45 तो इधर ही हो गए हमारे। चलो डिस्क्राइब इमेज नहीं हुई हमसे, 50% मार्क्स, 10 नंबर कितने हो गए, 55, 25, 45, 55, अच्छा चलो हो सकता है आपको, हो सकता है मेरे से गलत बोला गया, चले 55 नंबर तो हो गए हमारे, हमें 5 से 7 नंबर और चाहिए। इन दो क्वेश्चन टाइप्स में से हमने निकालने हैं, निकलना आएंगे, लास्ट टाइम भी हमने यही चीज डिस्कस की थी, दो क्वेश्चन टाइप्स ज्यादा अच्छी कर लो, बाकी में से हाफ भी आ जाए हमारा काम पूरा, क्लियर। हम क्या करते हैं, हम सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं रीटेल लेक्चर पे और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन पे, जिनके सबसे कम मार्क्स हैं, होता है ऐसा कि नहीं, 50% चाहिए उसमें से, इनमें से 70 पूरे करो, क्लियर। जितने मार्क्स उतनी प्रैक्टिस, इनमें से दो क्वेश्चन टाइप्स में से ज्यादा चाहिए, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, क्लियर। अब इसके साथ साथ आपने अपना स्केड्यूल बनाता जाना है प्रैक्टिस का, इधर से दो चीजें रोज करनी है, बाकी चेंज करते जाओ। रोज करना है रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस, साथ एक क्वेश्चन टाइप चेंज करते जाओ, दो चीजें मस्ट, पहले दिन डिस्क्राइब इमेज कर ली, अगले दिन ये दो चीजें, साथ में रिटेल लेक्चर कर लिया, क्लियर। ऐसे आपका स्केड्यूल बनेगा। अगर आप 60 से ऊपर ले लेते हो इस मॉड्यूल में, बल्कि हर मॉड्यूल में, आपका काम पूरा है, जहां मर्जी एडमिशन लो। और बताओ ओवरऑल 65 तक निकल जाएंगे, 7 बैंड बनते हैं, स्मार्टली कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए हमें, स्मार्टनेस चाहिए इधर, क्लियर। हाँ जी, वैसे रैंडम वर्ड्स नहीं बोलने, खुद से सेंटेंस बना के बोल दो, जो ये बोलेगा रिकॉर्डिंग वही। अगर मैंने कहा, अब ये देखो, ही इज 10 o'clock इन द मॉर्निंग, आज की गल हुई, हमने ये 3-4 वर्ड्स कैप्चर किए हैं, ये तो रैंडम वर्ड्स हो गए, ट्राई करो एक सेंटेंस की फॉर्म में ले आओ, बस इतना सा काम और करना पड़ेगा। वर्ड्स जितने आप कह रहे हो ना चल जाएंगे, आप कह रहे हो हमने 5-6 वर्ड्स कैप्चर कर लिए, चल जाएंगे, पर किसी एक वे में बोलो, सेंटेंस बना के बोलो, रैंडमली नहीं बोलो, हाँ सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए उन्हीं 6 वर्ड्स को यूज करके, क्लियर। पूरा हमको नहीं चाहिए। अब देखो 15 वर्ड्स है, अगर आप सोचते रहोगे ना 15 वर्ड्स बोले कितना करिए, नहीं, रिपीट सेंटेंस, बात को याद रखो, उस बात को बोलो, उर्दू में बात को याद करो, अपने से इंग्लिश बना के बोल दो, वर्ड्स आगे पीछे हो जाएं खैर है, कहीं ना कहीं हम उधर तक पहुंच ही जाएंगे, जितना मर्जी खराब हो जाए बात तो सेम है ना कहीं उधर तक पहुंच जाएंगे हम, कोई एक दो वर्ड्स का मसला बनेगा, क्लियर। और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये सूरत ही नहीं है, ये सूरत हमने कंसीडर ही नहीं करनी है, एक बार आपके माइंड में ये बात आ गई ना कि ऐसे भी हो सकता है, नहीं, आपने फिर उसी पे रहना है, इसलिए हमने वो डिस्कस ही नहीं करना, आपकी मजबूरी है 5-6 वर्ड्स कैप्चर करना। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, इन 3 में रिलीफ ले लो, इन 2 में हम रिलीफ नहीं मिलेगी आपको, यस। यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है सर? चलो ऑडियो भी बंद करिए, थक गए ऐसा।